फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब असीमित हो, अप्रतिबंधित हो, ऐसा नहीं होता है। हर राइट्स के साथ इफ बट लगे होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी सीमाएं होती हैं, उसमें कुछ प्रतिबंध लगे होते हैं, ठीक। तो इसलिए ये कह देना कि फंडामेंटल राइट्स है तो अब ये हमको पूर्ण रूप से मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। फंडामेंटल राइट्स में ही इस प्रकार के प्रतिबंध लिखे होते हैं कि इस फंडामेंटल राइट्स में इन इन आधारों पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ठीक। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये कहीं संविधान में कहीं नहीं कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी व्याख्याओं में संवैधानिक प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है उसका एक पार्ट है, ठीक। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारा संविधान कभी नहीं कहता कि फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है और अनुच्छेद 19 के तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है उसका एक पार्ट है, ठीक। अब जो आर्टिकल 19 है वो अपने आप में जो है एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19 में बहुत सारे जो है करीब 8 ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड्स के आधार पर उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो अब ये कहना कि कोई फंडामेंटल राइट्स है अब मुझे असीमित रूप से उपलब्ध होगा, बिना किसी रोक टोक के उपलब्ध होगा, निर्विघ्न निर्बाध रूप से उपलब्ध होगा, ऐसा नहीं होता। हर फंडामेंटल राइट्स के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक। पिछली क्लास में हमने आपको समर्थन तक बता दिया था ना, बता दे कि नहीं बताता। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए, अब जो हम बात बताने जा रहे हैं इसका थोड़ा सा जो है मेंस के दृष्टिकोण से इसका जो है असर है, जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि यूनियन लिस्ट में कितने सदस्य हैं, 97 है, ठीक। जबकि एक्ट करंट कितने हैं, अगर आप करंटली बात कर रहे हैं तो कितने हैं, 98 है। इसी प्रकार से हमने आपको बताया स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कितने विषय हैं, 66। अगर करंटली बात करें तो वो है 59, ठीक। और करंट लिस्ट समवर्ती सूची, इसमें विषयों की संख्या 47। अगर करंट की बात करें तो यहां विषय कितने हो गए हैं, 52, ठीक। यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है, यूनियन को है, माने पार्लियामेंट को है, इसके अलावा कोई कानून उसमें नहीं बना सकता। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक दिए गए हैं, जो विषय दिए गए हैं, इसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट को है, राज्यों की विधानसभाओं को है, इस पर कोई अन्य कानून नहीं बना सकता। और करंट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं इसमें कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को भी है, माने यूनियन को भी है, पार्लियामेंट भी इसमें कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकते हैं, ठीक। और हमने साथ ये भी बताया था, पता नहीं लिखाया था कि नहीं लिखाया था, कि अगर कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग कानून बना रहे हैं, एक ही विषय पर दोनों कानून बना रहे हैं, तो हो सकता है उनमें क्लैश हो जाए। देखिए यहाँ क्लैश नहीं होगा, जिस विषय पर केंद्र सरकार कानून बना रही है राज्य पर बना ही नहीं रहा है, और जिस विषय पर राज्य सरकार कानून बना रही है उसमें केंद्र नहीं बना रहा है, यहाँ क्लैश होने की संभावना नहीं है। लेकिन जब एक ही टॉपिक पर केंद्र सरकार अपना कानून बना रही है, उसी टॉपिक पर राज्य सरकार अपना कानून बना रही है, तो यहाँ पर टकराव हो सकता है, इनमें आपस में विरोध पैदा हो सकता है। तो संविधान कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक ही विषय पर अर्थात कंकरेंट लिस्ट के किसी टॉपिक पर दोनों कानून बना रहे हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, और उन कानूनों में अगर संगति है, मेल मिलाप है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनमें टकराव हो रहा है तो किसका कानून चलेगा, केंद्र सरकार का, राज्य का कानून नहीं चलेगा। इस प्रकार आप देखें कि जो विषय बांटे गए हैं, विषय इस तरीके से बांटे गए हैं, एक तो आपने अधिक विषय किसे दिए, केंद्र सरकार को, न सिर्फ अधिक विषय दिए बल्कि सारे विषय बेहद महत्वपूर्ण भी है, इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। आपने कम विषय दिए राज्यों को, और ये जो विषय दिए एक तो विषय की संख्या कम है, दूसरा इनका महत्व भी कम है। यहाँ पर जो विषय रखे गए हैं उनका ज्यादा महत्व नहीं है, इनका लेस इंपॉर्टेंट है। तीसरा समवर्ती सूची,
समवर्ती सूची में पूरी तरीके से केंद्र छाया हुआ है, केंद्र हावी है, क्योंकि अगर केंद्र का कानून समवर्ती सूची पर बनाया गया है और राज्य का कानून भी समवर्ती सूची पर बनाया गया है और दोनों में टकराव हो रहा है तो राज्य का कानून नहीं चलेगा, केंद्र का कानून चलेगा। इस प्रकार का आप देखें तो केंद्र सरकार के पास नस भी 98 विषय हैं, केंद्र सरकार जो है इन 52 विषय पर भी हावी है, इस पर भी छाई हुए, क्योंकि तो यहाँ पर चलेगी केंद्र की। राज्यों को वैसे ही कानून बनाना पड़ेगा जैसा कि केंद्र का है, अगर उससे विरोध हो रहा है तो राज्य का कानून निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से विधायी शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है, ये बंटवारा जो है विधायी शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पक्ष में झुकी हुई है, ये एनालिसिस है। हम फेडरल स्ट्रक्चर है और फेडरल स्ट्रक्चर में हमने संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बांटा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियां बांटी हैं, यही फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है। मगर हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का जो नेचर है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो प्रकृति है, ये सब को इस प्रकार बांटा है कि हमने केंद्र को सशक्त और राज्यों को कमजोर रखा, जबकि ट्रू फेडरेशन में, एक असली फेडरेशन में ऐसा नहीं होता। वहां पर राज्य सरकार केंद्र सरकार से किसी मायने में कमजोर नहीं होती, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में सुप्रीम है और केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में सुप्रीम है, राज्य के पास अपनी सॉवरेन अथॉरिटी है, केंद्र के पास अपनी सॉवरेन अथॉरिटी है। मगर हमने अपने फेडरल स्ट्रक्चर में जो विधायी शक्तियां बांटी, शक्तियां इस प्रकार से बांटी कि केंद्र सरकार को सशक्त और राज्यों को कमजोर रखा। आपसे एग्जाम में बस इतना प्रश्न पूछा जाएगा 200 शब्दों में कि क्या भारत में विधायी शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार के पक्ष की ओर झुका हुआ है, तो आप इस प्रकार से बताएंगे कि यूनियन में ज्यादा विषय है, स्टेट में एक तो विषय कम है, यूनियन विषय जो है वो भी महत्वपूर्ण भी है, ना सिर्फ ज्यादा विषय है, दे आर नॉट ओनली ग्रेटर इन देयर नंबर बट ऑल्सो दे हैव देयर नेशनल इंपॉर्टेंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इनके पास ना सिर्फ विषय ज्यादा है बल्कि इनका महत्व भी ज्यादा है, इनके पास ना सिर्फ विषय कम है बल्कि इन विषयों का महत्व भी कम है। ऊपर से समवर्ती सूची में भी केंद्र ही छाया हुआ है, तो कुल मिलाकर शक्तियां बांटी तरीके से गई हैं कि केंद्र सरकार को सशक्त बनाकर रखा है और राज्यों को कमजोर बनाकर रखा है। तो ये बताता है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का जो झुकाव है वो कुछ ना कुछ यूनिटरी सिस्टम की तरफ है, क्योंकि ये यूनिटरी सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम में सिर्फ एक सरकार जो केंद्र सरकार होती है वो शक्तिशाली होती है, राज्य सरकारें शक्तिशाली नहीं होती। तभी कहा गया यूनिटरी माने एकात्मक शासन, एकात्मक शासन माने सिर्फ एक सरकार है यहाँ पर जो छाई हुई है पूरे देश में, इसलिए कहा गया ये एकात्मक शासन है, ये यूनिटरी सिस्टम है। तो यूनिटरी सिस्टम में केंद्र सरकार सर्व शक्तिशाली होती है और संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बराबर शक्तिशाली होती है। हमारा संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर काम कर रहा है, इसके बावजूद विषय इस प्रकार बांटे गए हैं कि केंद्र सरकार सशक्त और राज्य सरकार अपेक्षाकृत कमजोर रखी गई है। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में यूनिटरी बायस दिखाई पड़ता है, हमारे संघीय व्यवस्था में एकात्मक झुकाव दिखाई पड़ता है। तो आप आराम से आप इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे ना कि भारत में संघीय भारत में विधायी शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार को झुका हुआ है। ठीक, तो समवर्ती सूची तक बात हो गई थी, देखिए जिन्होंने संविधान बनाया था वो थे तो इंसानी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जब बनाएंगे हर चीज आ जाएगी। उन्होंने अपने तरफ से जितना सोच सकते थे उन्होंने सोचा समझा। अच्छा, ये हमने आपको लिखा दिया ना, करंट लिस्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, लिखा दिया ना, ये लिखा है कि नहीं लिखा जाता, ऐसा विषय मान लीजिए कोई ऐसा विषय सामने आ जाता है जो उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? ठीक, तो उस पर कानून जो है संविधान कहता है, संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 248, ये आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 248 ये कहता है कि अगर कोई ऐसा विषय है जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, ऐसा कोई विषय सामने आ जाता है तो इस पे कानून कौन बनाएगा? तो इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है संघ का है, यूनियन का है,
इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? यूनियन का है। हम कहें अगर यूनियन का, तो यूनियन में कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? पार्लियामेंट। माने इसमें कानून कौन बनाएगा? संसद, पार्लियामेंट। तो जब कहें कानून बनाने की शक्ति संघ के पास, तो संघ माने यूनियन के पास, यूनियन माने यूनियन का कौन सी बॉडी है? संसद। तो ऐसे विषय जो उपरोक्त तीनों सूची में नहीं है, कोई ऐसा विषय सामने आता है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? उस पर कानून आपका आंसर होगा, उसमें कानून बनाने का अधिकार संघ के पास है, उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। दोनों का एक ही अर्थ है। हम ये कहें कि उसमें कानून बनाने का अधिकार यूनियन के पास है, या हम ये कहें उसमें कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, एक ही बात है। ठीक, जैसे जब संविधान बनाया जा रहा था, तो उसमें तब सोचा गया, हर विषयों को सोच सोच के बांट दिया गया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें थी वो कल्पना नहीं कर सकते थे उस समय। जो है ये फेसबुक, इंटरनेट, ऐसी कल्पना कर ही नहीं सकते थे वो। आज इस प्रकार की नई चीजें आ गई हैं, इसलिए आज साइबर लॉ की जरूरत पड़ रही है, आज साइबर क्राइम हो रहे हैं। उसमें ऐसा वो कल्पना नहीं कर पाता। संविधान निर्माता जैसे थे वकील थे, वैज्ञानिक होते नहीं, और वैज्ञानिक होते तो इतना आगे तक अनुमान नहीं लगा सकते थे। आज आज इस प्रकार की समस्या सामने आ रही है, तो साइबर लॉ जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो साइबर लॉ किसमें होगा? ऐसा विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है, ये माना जाएगा ये छूट गया है, ये छूटा हुआ विषय है। छूटे हुए विषय के लिए जो बुद्धि होती है, कहते हैं अवशिष्ट, छूट गया है अवशिष्ट। ऐसे विषय क्या कहते हैं? अवशिष्ट, अवशिष्ट माने ये छूट गया है। अंग्रेजी उसको कहते हैं रेजिडुअरी, रेजिडुअरी। तो ऐसा कोई विषय का सामने आ जाता है जिस पर कानून बनाना है, वो इन तीनों विषयों, इन तीनों सूचियों में से कहीं नहीं है, तो ये कहा जाएगा ये विषय छूट गया है, ये अवशिष्ट विषय है, ये रेजुडरी पावर है। और रेजुडरी पावर में कानून बनाने की शक्ति किसके पास दी गई है? अनुच्छेद 248 कहता है उसमें कानून बनाने की शक्ति संघ के पास है, संसद के पास है। जैसे जैसे साइबर लॉ, जैसे साइबर क्राइम, इसी प्रकार से स्पेस रिसर्च, उस समय उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि बाहर एक दिन जो है स्पेस में काम करेगा, इतना नहीं सोच पाए, इसलिए स्पेस रिसर्च किसको दिया जाए, ऐसा ने कोई विचार ही नहीं रखा। आज भारत जो इसमें भी आगे बढ़ गया है, तो स्पेस रिसर्च पे कोई कानून बनाना है, कौन बनाएगा? तो विषय इसमें तीनों में नहीं है, तो कहां पर आ गया? वो अवशिष्ट में आ गया। तो अवशिष्ट में आपका आ गया साइबर क्राइम। स्पेस रिसर्च ठीक। अब फिर से देखिए, जो विषय इन तीनों जगह छूट जाते हैं, वो भी किसको दे दिए गए? पार्लियामेंट को। फिर से एक बार देखिए, सशक्त किसको बना रहे हैं हम? केंद्र सरकार को सशक्त बना रहे हैं। जिसके पास जितने ज्यादा विषय होंगे, जिसके पास जो विषय महत्वपूर्ण होंगे, वो उतने ज्यादा शक्तिशाली होगा। हमारे पास कोई विषय नहीं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, हमको थोड़े से विषय दिए गए, हमारे पास थोड़ी शक्ति आई, मेरे पास विषय की संख्या बढ़ाई गई, मेरी शक्ति और बढ़ गई। तो जिसके पास जितने ज्यादा विषय होंगे, वो उतने ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो आप फिर से देखिए, ना सिर्फ यूनियन लिस्ट में सदस्यों की संख्या ज्यादा है, बल्कि कंकरेंट लिस्ट के विषय पर भी यूनियन लिस्ट अपनी चला सकता है, यहाँ राज्य की नहीं चलेगी। और जो यहाँ छूट गया, वो भी हमने किसको दे दिया? यूनियन को दे दिया। तो इस प्रकार से हमने केंद्र सरकार को राज्यों के मुकाबले सशक्त रखा है। तो अगर प्रश्न होता है कि विधायी शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार के पक्ष में झुका हुआ है, 200 शब्दों में लिखिए, तो आप इस बात को लिख लेंगे ना? यूं लिख लेंगे, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे कि संघीय शक्तियों का जो जो विधायी शक्तियों का बंटवारा है, इसके दो आधार हैं। एक तो क्षेत्रीय आधार पर विधायी शक्तियां बांटी गई हैं अनुच्छेद 245 के तहत, दूसरा विषय के आधार पर शक्तियां बांटी गई, किसके पास कितने विषय होंगे। क्षेत्रीय के आधार पर तो यह है कि भारत के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा, उसका विस्तार पूरे भारत में होगा, उत्तर प्रदेश में भी होगा, मध्य प्रदेश में होगा, केरला में होगा, पंजाब में भी होगा। इसके अलावा अपना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के कारण, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन के कारण, भारत सरकार या केंद्र सरकार या संसद द्वारा बनाया गया कानून विदेशों में भी लगता है। उसी कानून से तो अबू सलेम को पकड़ के विदेश से यहां लाते हैं। अबू सलेम वाले बाहर बैठा हुआ है, छोटा राजन, छोटा शकील बाहर बैठे हुए हैं। संसद ने जो कानून बनाया, उस कानून के कारण उनको विदेशों से पकड़ के खींच के ले आते हैं। तो संसद का कानून ना सिर्फ भारत के टेरिटरी में, भारत के एरिया में, भारत के इलाके में लगता है,
संसद का कानून अगर कोई भारतीय नागरिक है तो विश्व के किसी भी कोने में चला जाए उसके ऊपर संसद का कानून लगेगा। अब मान लीजिए क्या नाम है आपका, शिवम, शिवम जो है यहां से जो है चले जाए सऊदी अरब, ठीक। अब कहते यहां तो सऊदी अरब तो बड़ी खुली छूट है, यहां तो एक क्या चार चार बीवी रखो, एक शादी के बाद वहां दूसरी शादी कर लेते हैं, ठीक। लेकिन है भारतीय नागरिक तो दूसरी शादी करने के कारण यहां संसद का कानून दौड़ कर उनको वहां पर शिवम पर अटैक करेगा सऊदी अरब में जाकर कि आपने दूसरी शादी किसके लिए। शिवम कहेंगे अरे हम तुम्हारे अब एरिया से बाहर चले गए हैं, हम तो सऊदी अरब में हैं और यहाँ के कानून में हम, हालांकि वहां पर ऐसा कानून नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि सऊदी अरब काफी जो है उसने अपने सुधार रहा है, बहुत इस्लामिक कट्टरपंथी है वो अपने को काफी जो सुधार लिया है। लेकिन हमको जितने पता नहीं है हमें कल्पना कर रहे हैं ना, तो शिवम ये नहीं कहेंगे कि हम तो आपके एरिया से बाहर रह रहे हैं, संसद भारत हम आपके टेरिटरी से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ के कानून के अनुसार एक क्या दो क्या हम चार चार बीवी रख सकते हैं। भारत सरकार कहेगा देखो तुम भारतीय नागरिक हो और भारतीय नागरिक होने के कारण संसद का कानून न सिर्फ भारत के अंदर, भारत के बाहर विश्व में कहीं भी चले जाओगे तुम भारतीय नागरिक हो तो मेरा कानून तुमको वहां पकड़ के लाएगा। इसी के आधार पर जो है हम छोटा सचिन को, छोटा राजन को, बड़ा राजन को, अबू सलेम को, सबको पकड़ पकड़ के लाते के नहीं लाते हैं, वो बाहर भाग जाते हैं, बस और उनके साथ हमारी कुछ ट्रीटी होनी चाहिए, कुछ ये भी होना उस देश के साथ हमारी कुछ ट्रीटी, कुछ जो है समझौते होते हैं। हाँ कोई कुछ पूछा था, अभी थोड़ा सा मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि उन्होंने जो है वहां पर सिटीजनशिप ने छोड़ दी है, तो सिटीजनशिप छोड़ दी तो अब भी भारत के नागरिक रहे नहीं, ठीक। तो अब उसका क्या प्रोसेस है उसकी हमें डिटेल जानकारी नहीं है, हमें इतनी अंदर तक जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने सिटीजनशिप छोड़ दी है। अब बात यह है कि सिटीजनशिप छोड़ने के बाद जैसे तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है हिंदू होता है उसको दूसरी शादी करनी, हमारे धर्म में पाजी थे, शादीशुदा थे और इनको हेमा मालिनी से प्यार हो गया, अब इनको दूसरी शादी करनी थी और हिंदू होने के कारण दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, तो हमारे धर्मेंद्र पाजी ने क्या किया, अपना धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम बन गए और मुसलमान बनके इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी थी। ये अब क्या कर लोगे, भारत सरकार का कानून कहता है कि मुसलमान जो है एक वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ रख सकता है एट द सेम टाइम, और क्या अभी भी मुस्लिम होंगे, अब क्या है हमें नहीं पता, लेकिन अब तो अब खैर कानून आ गया, अब कानून आ गया है कि शादी करने के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अरे आपके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, आपको स्वतंत्रता है, आपको भी धर्म स्वीकार करो, तो शादी के पर्पज से, इसलिए कि आपको धर्म में दिलचस्पी नहीं है, आपकी दिलचस्पी एट ए टाइम एक वाइफ और रखने की है, तो इस लिहाज से आपका धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कॉन्सेप्ट क्लियर, ज्यादा दूर तक ना जाइए, यहां आ जाइए। तो आप ये लिखेंगे कि देखिए आप इस बात को दिखाएंगे कि आर्टिकल 245 ये कहता है कि संसद का कानून जो है ना सिर्फ पूरे भारत में, भारत के बाहर भी अगर भारतीय नागरिक है तो उस पर उसकी प्रॉपर्टी पर अप्लाई होगा। आर्टिकल 246 ये कहता है कि विधायी शक्तियों का बंटवारा यूनियन स्टेट और कंट्री में किया गया है, बंटवारा इस प्रकार से किया गया है, मगर आपने परिस्थितियां देखी किस प्रकार केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं, जो शक्तियां छूट गई उसको हमने रेजुडरी पावर कह दिया, और जो रेजुडरी पावर्स है उसमें भी शक्तियां हमने केंद्र सरकार को दी हैं, संसद को दी हैं, इस प्रकार से विधायी शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है कि केंद्र सरकार अधिक सशक्त है। अभी हम आगे और डिफाइन करेंगे, अभी बताएंगे किस प्रकार से केंद्र सरकार सशक्त है, अभी उस प्रकार के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आपको दिखाएंगे, जबकि जो स्टेट लिस्ट में जो 66 विषय है इन 66 विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना देता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में। अभी हम आपको बताएंगे, जब हम आपको जो प्रेसिडेंट रूल समझाएंगे, जब हम आपको जो नेशनल इमरजेंसी बताएंगे, किस प्रकार के सिचुएशन बताएंगे, वहां पर आप देखोगे कि ये 66 विषय हैं, इन विषयों पर भी केंद्र सरकार हावी हो जाता है, ठीक। तो जब उस चीज को भी आप डिफाइन करोगे, किस प्रकार कुल मिलाकर आप अपने निष्कर्ष दोगे कि भारत में संघीय व्यवस्था में विधायी शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार के पक्ष में झुका हुआ है, इस प्रकार से हमारे यहां जो है फेडरल सुप्रीमेसी है, केंद्र सरकार को सशक्त रखा गया है, केंद्र सरकार को सुप्रियोरिटी प्रदान की गई है, और ये जरूरी भी है, ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हम चाहते हैं कि देश एकजुट रहे तो केंद्र और राज्य के बीच के तनाव कम से कम हो सके, तो हमें केंद्र सरकार को सशक्त बनाकर रखना ही पड़ेगा।
अंसार राज जो है खोपड़े पर सवार हो जाएंगे और जो है संघ को काम नहीं करने देंगे। ये जो बातें बताई हैं इन बातों का मेंस के लिहाज से महत्व है। ठीक, इनका जो है जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते हो तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आप बार बार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, जिस प्रकार से ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिर्फ आप यहाँ पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करोगे तो ऐसी कोई भी एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव नेचर का है आप वहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपको अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अपियर होना है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेंगे। इन द सेम मैनर जब आपको किसी ऐसे एग्जाम में अपियर होना है जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बार बार लिखोगे तो उससे भी क्या होगा, धीरे धीरे आप महसूस कर पाओगे कि आप ज्यादा जान रहे हो और लिखना कमी है, कैसे उसको एडजस्ट करें, कौन सी फालतू चीज हटाएं, कौन सी फालतू सही चीज जोड़े, इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जो भी आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। सिर्फ क्लास में बैठने से, क्लास के नोट्स लेने से और समझने से अकेले काम नहीं चलेगा, ये अधूरी बात है। इस बात को आपको आगे जाके बढ़ के पूरा करना, पूरा करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको केंद्र संबंध बताया, केंद्र संबंध के आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको अगर मेंस के लिहाज से पढ़ना है तो केंद्र संबंधों पर आपको जो है फिर जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहां तक लिख दिया गया। अभी देखिए, अभी अभी कई अंक हम आपको बताएंगे किस प्रकार से हमने केंद्र सरकार को सशक्त बनाया है। अभी तो क्योंकि यहां तक हमने बात पढ़ाई से यहां का एनालिसिस करके बताया है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार सशक्त है। अभी ऐसे कई मौके आएंगे जब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से केंद्र सरकार को सशक्त रखा है, पावरफुल रखा है। और जब केंद्र सरकार सशक्त होती है माने हम उतना ही है यूनिटरी सिस्टम एकात्मक शासन प्रणाली की ओर जा रहे हैं। विश्व में केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर दो प्रकार के शासन प्रणाली है, एक यूनिटरी सिस्टम जिसको हम एकात्मक शासन कहते हैं, उसके अगेंस्ट में दूसरी शासन व्यवस्था है संघात्मक शासन जिसको हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। संघात्मक शासन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समान रूप से शक्तिशाली होती है, कोई किसी से कमजोर नहीं होती है। और एकात्मक शासन में एक ही सरकार पूरे देश में छाई रहती है, वो मोस्ट पावरफुल होती है। ठीक, तो अगर संघात्मक शासन हमने इस प्रकार से बना के रखा है कि केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दी है तो हम कहेंगे संघात्मक शासन का झुकाव जो है एकात्मक शासन की तरफ है। जितनी मात्रा में केंद्र सरकार सशक्त होती जाएगी उतनी मात्रा में हम संघात्मक शासन से शिफ्ट होकर एकात्मक शासन की ओर बढ़ते जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आखिरी लाइन, आखिरी दो लाइन पढ़िए, पिछले क्लास में जो आप लोगों ने लिखा था उसकी आखिरी दो लाइन पढ़िए। फिर पढ़िए, हमने ये लिखाया कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार के कानून, संसद के कानून और राज्य सरकार के कानून में कन्फ्लिक्शन हो जाए तो संसद का कानून प्रिवेल होगा। ये लिखाया, चलिए लिखा देंगे, बाद में लिखा देंगे। अब देखिए हम आपको ये लिखाने जा रहे हैं कि यदि कोई विषय उपरोक्त तीनों सूचियों में छूट जाए, देखिए दो आर्टिकल, एक आर्टिकल और एक अनुसूची आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि विधायी शक्तियों का बंटवारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्रीट विधायी शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद में किया गया है, विधायी शक्तियों का बंटवारा जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, विधायी विषयों का बंटवारा जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें कानून बनाया जाता है, लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस आर्टिकल में किया गया है, तो क्या आंसर होगा आपका? 246 होगा। अनुच्छेद 246 कहता है कि संघीय सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, राज्य सूची में दिए गए विषयों में कानून बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभाओं को होगा, तो समवर्ती सूची में दिए गए विषयों में को कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य सरकार की विधानसभाओं दोनों को होगा। अनुच्छेद 246 बस इतना कहता है। अब जब कहते हैं संघीय सूची में दिए गए विषयों में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा तो संघीय सूची में विषय है 97, उन 97 विषयों की पूरी लिस्ट, तो इसके लिए जो है जब किसी आर्टिकल के बारे में विशेष जानकारी देनी होती है तो उसमें संविधान में उससे जुड़ी अनुसूची जोड़ दी जाती है। तो आर्टिकल 246 बस इतना कहता है कि संघीय सूची में कानून कौन बनाएगा, स्टेट में कौन बनाएगा, कंकरेंट में कौन बनाएगा।
संघीय सूची में कितने विषय हैं, अब ये पूरा डिटेल आपको जानना है तो आपको अनुसूची की ओर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आर्टिकल 246 विधायी विषयों के बंटवारे के बारे में बात करता है, उसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए अगर अनुसूची की बात की जाए तो यह हमारी सातवीं अनुसूची है, 7 अनुसूची। तो अगर पूछा जाए कौन सी अनुसूची है तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंध रखती है, 7th शेड्यूल। विधायी शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, सातवीं अनुसूची। किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 246। ठीक, अब अगर कोई तीनों छूट गया है तो अनुच्छेद 248 कहता है कि जो विषय उपरोक्त तीनों में छूट गए हैं वो अवशिष्ट विषय माने जाएंगे और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति अर्थात अवशिष्ट शक्ति किसमें है, नहीं थे यूनियन में। ठीक, तो फाइटिंग डालिए अवशिष्ट विषय रेजिडुरी सब्जेक्ट्स, अवशिष्ट विषय ये भाग 11 का अध्याय 1 चैप्टर 1 भाग 11 का चैप्टर 1 जो है वो केंद्र राज्य विधायी संबंधों को डील करता है। भाग 11 का ही चैप्टर 2 केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को डील करता है और भाग 11 के बाद भाग 12 पर आते हैं, भाग 12 जो है केंद्र राज्य फाइनेंशियल रिलेशन को डील करता है। इनके क्या क्या आर्टिकल्स हैं ये सारी भी आपको याद रखने होंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। नहीं, रेजिडरी कोई लिस्ट है ही नहीं, जो तीनों जगह छूट गया तो वो रेजिडरी सब्जेक्ट हो गया, वो कोई उसका कोई लिस्ट अलग सही नहीं। रेजिडरी दिशा लिख लिया, ब्रैकेट रखिए आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियां, ब्रैकेट में अनुच्छेद 248। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है कि ये कौन सा अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों की चर्चा की गई है, 248। द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशनड अबव थ्री लिस्ट, सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशनड अबव थ्री लिस्ट, दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंट्रोल लिस्ट। सब्जेक्ट्स विच आर नॉट मेंशनड अबव थ्री लिस्ट, that is union list, state list and country list are called residuary subjects, are called residuary subjects, the power to make law over residuary subjects, the power to make laws over residuary subjects is vested in the union, vested in the union, bracket likhiye the parliament, in the union, union ke bracket likhiye the parliament, जो विषय उपरोक्त तीनों सूचियों में नहीं उल्लिखित किए गए हैं, जो विषय उपरोक्त तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं किए गए हैं, जो विषय उपरोक्त तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं किए गए हैं उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं, उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं, जैसे साइबर क्राइम या साइबर लॉ, जैसे साइबर क्राइम या साइबर लॉ और अंतरिक्ष अनुसंधान, और अंतरिक्ष अनुसंधान। देखिए अंग्रेजी में हमने नहीं लिखाया था, ये एग्जांपल इसको लिख लीजिए,
स्पेस रिसर्च अनुसंधान, समझ में आ रहा है ना आपको, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति, संघ संघ सरकार अवशिष्ट विषय में कानून बनाने की शक्ति, संघ सरकार ब्रैकेट में संसद, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति, संघ सरकार ब्रैकेट में संसद ब्रैकेट बंद को प्राप्त है। अब देखिए ये जो तीन विषयों की स्कीम है पूरी, संघीय विषय, यूनियन सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट राज्य सूची के विषय, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची के विषय और अवशिष्ट शक्तियां, ये विषय का जो बंटवारे की पूरी स्कीम है, ये चीज जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी थी। ठीक, तब हम एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि हमसे आपसे पूछा जाए कि हमने जो ये अपने यहाँ जो पूरी स्कीम है, स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ये कहाँ से हमने लिया है, तो एक आंसर इसका ये भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां पर इस प्रकार से बंटवारा था कि तीन विषय हैं, इसके अलावा चौथा विषय अवशिष्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आज की व्यवस्था में ये अंतर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो विषय छूट गए थे उसमें कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई थी, आज कानून बनाने की शक्ति उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं दी गई है, आज कानून बनाने की शक्ति उसमें संसद को दी गई है। उस समय जब 1935 का एक्ट आया था उसमें अवशिष्ट शक्तियां जो हैं संसद को नहीं दी गई थी, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को नहीं दी गई थी, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी कि जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं आ रहा है वो हो गया रेजिडरी पावर, वो रेजिडरी सब्जेक्ट, वो अवशिष्ट विषय है, वो छूटा हुआ बचा हुआ विषय है, तो उस पर कानून बनाने का पावर किसके पास होगा, गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल उसमें काम करेगा। आज ऐसा नहीं किया गया कि जो अवशिष्ट विषय है वो राष्ट्रपति को हम दे दें, राष्ट्रपति को हम नहीं देते हैं, आज हम कहते हैं अवशिष्ट विषय संसद के पास है। तो आपको इस बात को दोनों डिफरेंस को याद रखना है, अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रेजिडरी पावर किसको दिया गया था, तो आपका आंसर होगा गवर्नर जनरल। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि हमारी वर्तमान संविधान में, इधर ध्यान दो, 1919 में केंद्र और राज्यों के बीच विषय नहीं बांटे गए थे, राज्यों में ही विषय बांटे गए थे, राज्यों में ही जो विषय राज्यों को दिए गए हैं उसमें यह कहा गया था इन विषयों में इतना काम गवर्नर जनरल करेगा, इतने काम जो है मंत्री करेंगे, उसको कहा गया था द्वैध शासन। माने जो है 1919 का जो एक्ट था उसमें जो है जो विषय राज्य के पास है राज्य के विषय को ही बांट दिया गया था कि राज्य सरकार के पास जो विषय है इसमें से ये विषय जो है मंत्री देखेंगे और ये विषय मंत्री नहीं देखेंगे, गवर्नर जनरल इसको अपने पार्षदों के माध्यम से करेगा, इसको कहा गया था द्वैध शासन। जैसे कृषि सिंचाई, तो कृषि को मालूम दे दिया गया मंत्रियों के जिम्मे, मंत्रियों से जो जनता के द्वारा चुने गए थे, और सिंचाई दे दिया गया जो है गवर्नर जनरल के, जो अपने कुछ खास आदमी थे जिनको निर्वाचन से निकालते थे जिनको गवर्नर जनरल अपॉइंट करता था, इस प्रकार से उसको द्वैध शासन कहा गया। द्वैध शासन माने जब शासन दो लोग मिलकर चलाते हैं, हाँ, वो जो विषयों का बंटवारा था वो राज्य स्तर पर किया गया था, राज्य स्तर पर ही दो विभाग कर दिए गए थे कि जिन विषयों पर काम करेगा मंत्री लोग जो जनता द्वारा चुने गए हैं, तो इन विषय पर काम करेगा वो लोग जिसको गवर्नर जनरल ने अपॉइंट किया है, जो जनता से चुन के नहीं आए हैं। तो राज्य स्तर पर ही विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक था ट्रांसफर्ड और एक था रिजर्व।
तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो गवर्नर जनरल के पास थे, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो नहीं नहीं अब उसमें अलग डिटेल में हम फटक जाएंगे। गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म नहीं हुई थी, अब वो भारत का गवर्नर जनरल भी था, वाइस राय भी था, लेकिन व्यवहार में उसको गवर्नर जनरल ही कहा जाता था, बोलचाल में गवर्नर जनरल ही चलता रहा। 1858 के बाद उसको कहा गया ये जो है ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि है, तो ब्रिटेन की महारानी के प्रतिनिधि के रूप में उसका नाम दिया गया वाइस राय। वो अब दो भूमिका में था, एक तो ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि है उस रूप में वाइस राय है, दूसरा वो ब्रिटिश महारानी का रिप्रेजेंटेटिव है, और रिप्रेजेंटेटिव को ही कहा जाता है वाइस रॉय। वाइस रॉय माने ये ब्रिटिश महारानी का जो है ये नुमाइंदा है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उनका प्रतिनिधि है, लेकिन बोलचाल में हमेशा वो जो है वो गवर्नर जनरल ही कहा जाता रहा, उसी को कहा जाता है लाट साहब। नाम सुना बड़े लाट साहब बनते हैं, ये लाट साहब उसी को कहते थे, शायद लॉर्ड से बना, शायद लॉर्ड से बना लाट साहब, लॉर्ड। जैसे आप लोग आप ना बाबू बाबू, तो बाबू जो है अंग्रेज जो है जो हमारे यहाँ के जो भारतीय कर्मचारी थे उसको जो है बड़े कटाच में कहते थे बबून। बबून माने बंदर, वो लोग को बंदर से ज्यादा नहीं समझते थे, माने जिस प्रकार से मनुष्य जो है बंदर से सभ्य बनाना, तो हम उनके नजर में अभी भी उतने असभ्य हैं, लोग अभी भी उसी बंदर की जाति में रह रहे हैं, बबून ना, तो वो बबून कहते थे, बबून ही लोग, और लोग बाबूजी बाबूजी हम लोग जो है उसको बड़ा जस जस मिलने लगे। हिंदी शब्द नहीं, वो बाबूजी जो वहीं से निकला है, बबून से जो देखो बाप बाप से बापू बना, ये समझ में आता है कि बाबू शब्द जो है बबून से जो है ओरिजिनेट हुआ है। उन्होंने कहा बबून, जो निचले स्तर के कर्मचारी थे हमारे भारतीय उनको बबून कहते थे, वो हम लोग उनको क्या कहते थे, नहीं बाबू साहब है, ये बाबू है, वो बाबू कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये सब बंदर के औलाद है, बंदर है सब उनकी नजर में, अंग्रेजों की नजर में। खैर तो ये इसको गवर्नर जनरल को अंडरवाल कीजिए 1935 के कॉन्टेक्स्ट में, और आज के संविधान के कॉन्टेक्स्ट में जो है आपको अंडरलाइन करना है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को अंडरलाइन कीजिए। पार्लियामेंट को अंडरलाइन कर दिया, आज संविधान के कॉन्टेक्स्ट में आपको पार्लियामेंट अंडरलाइन करना है कि आज जो है किसमें अवशिष्ट शक्तियां हैं, संसद के पास है, तो संसद को अंडरलाइन कीजिए, जहां लिखाया है कि अवशिष्ट शक्तियां संसद में नहीं थे, उस संसद को अंडरलाइन करना है। तो अनुच्छेद 1935 हमने कहा कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, गवर्नर जनरल के पास है, वहां गवर्नर जनरल को अंडरलाइन करना है। तो आप इस प्रश्न को खूब याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछा जाए 1935 में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी, तो गवर्नर जनरल के पास थी। पूछा जाए संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास दी गई है, पार्लियामेंट के पास, अगर वहां राष्ट्रपति लिखा है तो राष्ट्रपति आपका आंसर नहीं होगा, ये पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब क्या बाबू और बबून में फंस गए हो क्या? अब देखिए आगे समझिए, देखिए अब आगे देखिए, यहां जिससे दोनों में अलग अलग बटे हुए हैं, ठीक, इस पर कानून बनाएगा संसद, इसमें कानून बनाएगा राज्य की विधानसभाएं, कोई झगड़ा नहीं। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर कभी कोई जो है यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में किसी विषय को लेकर ओवरलैपिंग हो जाए, मान लीजिए स्टेट लिस्ट में कोई विषय दिया गया है
और यूनियन लिस्ट में भी कोई विषय दिया गया है, दोनों विषय मिलते से नजर आ रहे हैं, परस्पर व्यापी हो रहे हैं, उनमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो जब कभी कुछ ऐसा अगर होता है ओवरलैपिंग, अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ओवरलैपिंग हो रही है तो यूनियन लिस्ट जीतेगी, स्टेट लिस्ट को झुकना पड़ेगा। ठीक, तो आप याद रखिए कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है, इसको बिगाड़ कर रहा है। ठीक है, अगर यूनियन लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है और इनमें किसी विषय को लेकर ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, हिंदी कहते हैं परस्पर व्याप्ता, व्याप्ता परस्पर व्यापी, क्योंकि दो चीजें ओवरलैप कर जाती हैं। तो विषय बांटे अलग अलग बांटे गए, यहां पर अलग विषय, यहां अलग विषय, हो सकता है कोई एक विषय इसका ऐसा हो जो इस विषय से मेल खा रहा हो, कुछ ओवरलैप कर रहा हो। अब क्या किया जाएगा, तो अगर स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में ओवरलैपिंग हो रही है तो यूनियन लिस्ट को जो है हम डोमिनेंस कर देंगे, जो ओवर हम यूनियन लिस्ट को जो है हम जो है प्रेफरेंस देंगे, माने संविधान जो है स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच के आपस में किसी परस्पर व्यापता की स्थिति में यूनियन लिस्ट को प्रधानता प्रदान करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट ओवर स्टेट लिस्ट। ठीक, इसी प्रकार से मान लीजिए यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, यहां पर किसी विषय को लेकर ओवरलैपिंग हो रही है, संविधान कहता है स्टेट लिस्ट को जो है प्राथमिकता दी जाएगी यूनियन को, अर्थात यूनियन लिस्ट को जो है, वैसे तो विषय बांट दिए गए, झगड़े की बातें नहीं होगी, लेकिन इन केस कोई विषय ऐसा आ जाता है कि स्टेट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में दोनों जगह दिखाई पड़ रहा है, माने ओवरलैपिंग कुछ की चीज सामने आ रही, तो ओवरलैपिंग की स्थिति में यूनियन लिस्ट को प्रीडोमिनेंस मिलेगा, कंकरेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट के बीच में अगर कोई ओवरलैपिंग हो रही है तो यूनियन लिस्ट को प्राथमिकता मिलेगी। ठीक, इसी प्रकार से अगर कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कोई झगड़ा आ रहा है, अगर कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कोई ओवरलैपिंग हो रही है तो हम कंकरेंट लिस्ट को जो है डोमिनेंस प्रदान करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगर इस कंकरेंट लिस्ट में एक ही विषय पर केंद्र ने भी कानून बनाया है, राज्य ने भी कानून बनाया है, कंकरेंट में दोनों कानून बना सकते हैं, तो यहां कोई कंफ्लिक्शन आ रहा है तो हम केंद्र सरकार के कानून को महत्व देंगे, राज्य सरकार के कानून को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से आप देखिए कि हमारे संविधान में विधायी शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया है कि हमने यूनियन लिस्ट को इन केस ऑफ ओवरलैपिंग हमने प्रीडोमिनेंस कुछ स्थिति प्रदान करी है स्टेट लिस्ट पर, तो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया इस तरीके से किया है कि हमने जो है केंद्र सरकार को हर तरीके से सशक्त बनाने की, पावरफुल रखने की, स्ट्रांग रखने की कोशिश करी है। ठीक, तो लिख लीजिए, in case of overlapping between the union list and the state list, in case of overlapping between the union list and state list, the Indian Constitution expressly, the Indian Constitution expressly secures, the Indian Constitution expressly secures, expressly secures predominance of union list over state list. यदि संघीय सूची और राज्य सूची के मध्य, यदि संघीय सूची और राज्य सूची के मध्य
कोई विषय परस्पर व्यापी हो जाता है, यदि संगीत सूची रस सूची के मध्य परस्पर व्यापिता, परस्पर व्यापिता ब्रैकेट में ओवरलैपिंग का मामला आ जाता है, यदि संगीत सूची और राज सूची के मध्य परस्पर व्यापिता ब्रैकेट में ओवरलैपिंग का मामला आ जाता है, तो संविधान संघीय सूची को राज्य सूची पर, संघीय सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व, परस्पर व्यापिता का मामला आ जाता है, तो संविधान स्पष्ट रूप से संघीय सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व या वर्चस्व या उच्चता या श्रेष्ठता प्रदान करता है। तो संविधान स्पष्ट रूप से संघीय सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करता है। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्शन between the state law and parliamentary law, if there is a confliction between the state law and the parliamentary law, over a matter of concurrent list, if there is a confliction between the state law and parliamentary law over a matter of concurrent list, the parliamentary law should prevail. यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद के बनाए कानून और राज्य कानून में के किसी विषय पर संसद के बनाए कानून और राज्य के बनाए कानून के मध्य टकराव पैदा हो जाए तो संसद का कानून चलेगा और राज्य सरकार के कानून को झुकना पड़ेगा। एक उदाहरण समझिए यार बात को। जैसे वन समर्थित सूची का विषय है। देखिए फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट ये जो है आपके समर्थित सूची का विषय है, इसलिए वन पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है। वन पर कानून जो है आपकी केंद्र सरकार संसद बना सकती है। हम कल्पना करते हैं कि जो है संसद ने कोई कानून बनाया कि भारत के हर राज्य में उस राज्य के एरिया के 33% टेरिटरी में वन होने चाहिए, संसद का कानून है। अर्थात उत्तर प्रदेश की जो टेरिटरी होगी उस टेरिटरी में 33% एरिया में वन होने चाहिए। राजस्थान की जो टेरिटरी होगी उस टेरिटरी में कम से कम 33% जो लैंड है वहां पर वन होने चाहिए, ठीक, संसद का ही कानून है। और राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार ने ही कानून बनाया है कि राजस्थान सरकार का जो एरिया है वहां पर वनों का प्रतिशत 20 होगा। जो राजस्थान है, राजस्थान की एरिया में वन जो है 20% रहेंगे, माने 80% एरिया में वन नहीं रहेंगे, 20% एरिया जो है वन वाली होगी। ये राजस्थान की सरकार का कानून है। संसद का कानून है कि भारत के प्रत्येक राज्य में 33% वन रहने चाहिए। अब टकराव पैदा हो रहा है। संसद का कानून कह रहा है कि हर राज्य के
पास जितनी भूमि है उसकी जितनी टेरिटरी है वहां 33% पर एरिया पर वन रहने चाहिए। राजस्थान सरकार का कानून कह रहा है कि हमारे टेरिटरी में 20% एरिया में वन रहेंगे, बाकी में वन नहीं रहेंगे। तो संसद का बनाया कानून और राज्य सरकार के बनाए कानून में टकराव पैदा हो गया, एक दूसरे का विरोध हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में राजस्थान सरकार का कानून नहीं चलेगा और संसद का कानून मान्य हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई कि कोई दिक्कत है? वन समृद्धि सूची का विषय है तो वन में संसद भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी कानून बना सकती हैं। तो यहां मैंने आपको एक इमेजिनेशन करके दिखाया कि देखिए वन पर राजस्थान सरकार का कानून, वन पर संसद का बनाया गया कानून कैसे एक दूसरे का विरोधी हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहा है, क्लैश हो रहा है। ठीक, समझ आई कि नहीं आई? समझ आई? अच्छा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद यह है कि अगर जो है राज्य सरकार का जो कानून है वो अगर जो है गवर्नर ने जो है आर्टिकल, गवर्नर ने आर्टिकल 200 के तहत जो है उसको रिजर्व कर लिया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यह हमने आपको बताया था कि गवर्नर ऐसा कर सकते हैं कि राज्य सरकार के किसी कानून को, किसी विधेयक को, किसी बिल को खुद असेंट ना दें, खुद सहमति न दें, बल्कि अनुच्छेद 200 के तहत उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर ले कि राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे। तो फिर ऐसे मामले में राष्ट्रपति अपना निर्णय करते हैं कि इसको हमको असेंट देनी है कि वीटो करना है। ठीक, तो मान लीजिए राजस्थान का ऐसा कोई कानून था कि राज्य की भूमि में 20% एरिया में ही जो है सिर्फ जो है वन रहेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार को ये लगता है कि राजस्थान का जो है एक बड़ा एरिया जो है डेजर्ट है, वहां पर आबादी भी नहीं है और वहां पर वनस्पति भी नहीं है। अब जो बचा एरिया है, अब क्योंकि हमको 33% में वन चाहिए तो 33% तो हमको पूरा एरिया का 33% चाहिए ना, इतना एरिया हमारा पूरा पहले से बेकार है। तो अब हम उसको पूरे एरिया का 33% करना है तो हमको जो है करीब इतना एरिया जहां पर हम रह रहे हैं उस इतना एरिया में हमें वन लगाने पड़ेंगे। तो क्या हम जयपुर को पूरा तोड़वाएंगे यहाँ पर वन लगाएंगे, क्या पूरा जोधपुर को हम तोड़वा के यहाँ वन लगाएंगे? ठीक है, तो राजस्थान की अपनी मजबूरी, राजस्थान ने सोची कहा है कि यहाँ पर सिर्फ 20% एरिया पे हम यह वन रखेंगे। अगर अपने पूरे एरिया के 33% हम वन की नीति अपनाएंगे तो यहाँ पर तो वन कभी लग नहीं पाएंगे राजस्थान के रेगिस्तान में, जैसलमेर में। हमको 33% अगर अपने पूरे लैंड के 33% हम वन लगाए हैं तो पहले अपना जयपुर तोड़वाए बैठ के, वन यहीं पर लग पाएगा। हम जोधपुर को तोड़वा दें तो हम 33% वन नहीं लगा सकते, हम राजस्थान के टोटल लैंड के 20% वन लगा सकते हैं। तो राजस्थान ने ऐसा कानून बनाया कि हम सिर्फ 20% पे वन लगाएंगे। तो ये हो सकता है कि उस बिल को गवर्नर जो है रिजर्व कर ले फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है, तो प्रेसिडेंट उसमें विचार करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मोदी से कहेंगे देखिए आपका नीति तो अच्छी है कि 33% वन होना चाहिए, मगर ये जो है राजस्थान की जो स्पेसिफिक सिचुएशंस है, जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस है, वहां पर ये अप्लाई नहीं होती है, वहां ये सूट नहीं करती है। तो यहाँ पर तो 20% तक ही वन अलाउड होना चाहिए। तो मोदी को लगेगा हाँ बात तो सही है। तो वो जो बिल गया था गवर्नर से राष्ट्रपति के पास कि आप विचार कर लीजिए, तो राष्ट्रपति से विचार करेंगे, कहेंगे ठीक है राजस्थान का कानून सही है, और राजस्थान के उस कानून को जो कि केंद्रीय कानून के असंगत है, जो केंद्रीय कानून के क्लैश में है, उसको राष्ट्रपति अपनी असेंट दे देंगे। तो अगर समर्थि सूची के किसी विषय पर राज्य सरकार के बनाए कानून को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है तो डिस्पाइट द क्लैश बिटवीन द यूनियन लॉ एंड स्टेट लॉ, स्टेट लॉ शुड प्रिवेल। बात समझ आ रही है? तो अगर राज्य सरकार ने समर्थि सूची में कोई कानून बनाया है, केंद्र सरकार ने भी समर्थि सूची में कोई कानून बनाया है, लेकिन राज्य सरकार के कानून को गवर्नर ने जो है आरक्षित रखा था राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति ने उस पर विचार करके उसमें अपनी सहमति दे दी है, तो फिर ऐसे समय राज्य सरकार का कानून चलता रहेगा भले ही वो जो है केंद्र सरकार के कानून से असंगत है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बताइए एक बार, सबको क्लियर हो गई बात? हाँ आप बोलिए। कौन सा? हाँ
फिर से फायदा नहीं, क्या फायदा नहीं बताइए। नहीं नहीं व्यक्ति काम नहीं करेगा, वो राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री के साथ सलाह करके तो काम करेगा। जब राष्ट्रपति उसमें कोई निर्णय करेगा, राज्य सरकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा है कि देखिए आप विचार कीजिए, तो उस पर राष्ट्रपति का विचार कर सोता, वहां बैठ के कैबिनेट विचार करती है किस पर क्या किया जाए। जैसा कैबिनेट विचार करती है राष्ट्रपति वैसा ही निर्णय करते हैं। बात समझ आई? जो राष्ट्रपति के पास जो राष्ट्रपति के पास गया है लॉ, ठीक, तो राष्ट्रपति वहां कैबिनेट के साथ बैठ के वहां तय किया जाएगा कि राजस्थान सरकार ने जो कानून बनाया है वो सिर्फ 20% को अलाउ कर रहा है, 33% को अलाउ नहीं कर रहा है बन, जबकि केंद्र सरकार का कानून हर राज्य के लिए 33% है। तो उस पर वहां बातचीत की जाएगी, वहां पर विचार किया जाएगा कि राजस्थान का कानून अपने आप में वहां के स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए वैलिड है, सही है, जस्टिफाइड है, तो उसको जो है राष्ट्रपति उसको जो है सिग्नेचर कर देंगे। ठीक, राजस्थान कोई पाकिस्तान का भाग थोड़ी है, अपने भारत का ही भाग है, और जो भी प्रशासन शासन किया जा रहा है केंद्र चाहे राज्य में, वो पूरे भारत के हित में किया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से होता है कि संसद का कानून होता है पूरे भारत के लिए लगाया जाता है, कई बार वो कानून किसी राज्य की स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में सूट नहीं करता है, तो उस राज्य को अलग कानून चाहिए होता है। लेकिन अगर वो अलग कानून बना रहा है और बात समर्थित सूची की है तो टकराव पैदा हो रहा है। संसद का कानून पूरे भारत के लिए है, और स्पेसिफिक किसी राज्य का कानून अपने राज्य के सर्कमस्टेंसेस को देख के बना हुआ है, उसके कारण उसका केंद्र के कानून से टकराव पैदा हो रहा है। तो नॉर्मल रूल तो ये है कि संसद का कानून चलेगा, राज्य के कानून को झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर राज्य के उस कानून को गवर्नर ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया था, अनुच्छेद 200 में ऐसा कर सकते हैं, हमने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब आपको बताया था, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आपको बताया था, राष्ट्रपति न सिर्फ केंद्र के कानून में अपना वीटो या अपनी सहमति देता है, बल्कि राज्य सरकार के ऐसे विधेयक पर जिसको गवर्नर ने राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रिजर्व कर लिया है उस पर भी राष्ट्रपति अपने वीटो या सहमति देते हैं। ये हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ते समय समझाया था, याद आ रहा कि भूल गए? तो अगर इस प्रकार से राष्ट्रपति ने उसमें अपनी सहमति दे दी है राज्य के कानून पर, तो फिर वो कानून चलता रहेगा भले ही केंद्र सरकार के कानून से उसका विरोध हो जाए। ठीक, आखिरी की लाइनें क्या है जब पढ़ बताइए, आखिरी की लाइनें क्या लिखाई हमने? हाउवर इफ अ स्टेट लॉ, हाउवर इफ अ स्टेट लॉ, हाउवर इफ अ स्टेट लॉ इज रिजर्व्ड बाय स्टेट गवर्नर, हाउवर इफ अ स्टेट लॉ इज रिजर्व्ड बाय अ स्टेट गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, and the president gives his consent, and the president gives his assent to such state law, and the president gives his assent to such state law, the state law to state law, the state law shall remain in force despite the inconsistency, despite the inconsistency with the union law, despite the inconsistency with the union law, over a matter in concurrent list, हिंदी में लिख लीजिए,
यदि समर्थित सूची के किसी मामले में, यदि समर्थित सूची के किसी मामले में राज्य के बने कानून को, राज्य के बने कानून को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया था, बने कानून को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया गया था और उनकी सहमति प्राप्त कर ली गई थी, और उनकी सहमति प्राप्त कर ली गई थी, और उनकी सहमति माने राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त कर ली गई थी, तो ऐसा राज्य कानून, तो ऐसा राज्य कानून संसद के कानून से असंगति होने के बाद भी, तो ऐसा राज्य कानून संसद के कानून से असंगति के बाद भी, तो ऐसा राज्य कानून संसद के कानून के असंगति के बाद भी बना रहेगा। ये अपवाद है ये, ठीक है। देखिए, हमने आपको ये बताया है समर्थित सूची का कोई विषय है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, ठीक। जो हमने पढ़ाया एक बार हल्का से हम रिपीट कर रहे हैं, जैसे वन, वन किसका विषय है? समर्थित सूची का है। वन और पर्यावरण किसका विषय है? समर्थित सूची का है। समर्थित सूची पर जो है राज्य सरकार ने कानून बनाया, समर्थित सूची में केंद्र सरकार ने कानून बनाया। राज्य सरकार का कानून यह है कि सिर्फ हमारे राज्य के 20% भाग वन चलेगा, और केंद्र सरकार ने कहा कि हर राज्य के 33% भाग वन होना चाहिए। कानून टकरा रहा है समर्थित सूची के किसी विषय पर, जब केंद्र और राज्य के कानून आपस में टकराते हैं तो केंद्र सरकार का कानून चलता है, राज्य सरकार का कानून नहीं चलता। लेकिन मान लो राज्य सरकार के कानून को जो है राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है, क्योंकि ऐसा संभव है कि राज्य सरकार के कुछ कानूनों को राज्यपाल अपनी सहमति न देकर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दे कि आप इस पर विचार करो। तो समर्थित सूची के किसी कानून को अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रखा था और राष्ट्रपति ने उसमें सहमति दे दी है, तो असंगति के बाद भी राज्य सरकार का कानून चलता रहेगा, ठीक। अब देखिए, पांच इस प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाना शुरू कर देती है। हमने बताया था केंद्र संघ सूची पर यूनियन लिस्ट में कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अथॉरिटी पार्लियामेंट की, राज्य सूची स्टेट लिस्ट में कानून बनाने की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी राज्य सरकार की, राज्य विधानसभा की, समर्थित सूची में कानून बनाने की अथॉरिटी दोनों की, ठीक। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। जैसे एक है आर्टिकल 249, यूनियन लिस्ट विषय कितने हैं? 98। स्टेट लिस्ट विषय कितने हैं? 59। कंकरेंट लिस्ट विषय कितने हैं? 52। आर्टिकल 49 ये कहता है कि अगर राज्यसभा ऐसे प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय, मान लीजिए ए, उसका इस समय राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है, ठीक। अगर राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय है उसका राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है, तो ऐसा प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद को अधिकार हो जाएगा कि राज्य सूची के उस विषय पर कानून का निर्माण करे। जैसे फिर से एक जो है इमेजिनेशन, वाटर,
वाटर किसका विषय है? स्टेट लिस्ट का है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देखिए पानी किस प्रकार से जो है धरती की कोख सूखती जा रही है। वो क्या रहा है कि हम पानी को उलीच तो खूब रहे हैं, उसको भर नहीं रहे हैं। ठीक, पहले क्या था, पहले इतने पक्के मकान नहीं थे, पक्की सड़कें नहीं थी, इतनी पक्की जमीनें नहीं थी, तो जो पानी बरसता था वो धीरे धीरे रिसता था, कच्ची मिट्टी थी। अब क्या हो रहा है, पानी जो बरस रहा है वो जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। इस काका दिन जितना पानी बरसेगा, एक कल्पना करते हैं, काका दिन जितना पानी बरसेगा या तो सड़क पर गिरेगा या फिर छतों में गिरेगा, और सड़क का और छतों का पानी कोई जमीन के अंदर नहीं जाएगा, वो सब तुरंत नाली में, और नाली से नाले में पानी इतना नहीं बरसता जितना कि गंगा जी में बाढ़ आ जाती है, वो जमीन के अंदर पानी जा नहीं रहा है। लेकिन जिसमें यहां पर पूरा कच्चा था, तो जो पानी बरसता था वो जमीन में बरसता था। दूसरा, क्योंकि इतना नगरीकरण हो गया तो यहाँ पर हर जगह जो मर्सिबल लगा हुआ है, जेट लगा हुआ है, तो पानी अंदर से उलीचा खूब जा रहा है, लेकिन डाला नहीं जा रहा है, धरती की कोख सूखती जा रही है। पानी किसका विषय है? स्टेट का। लेकिन हो सकता है जल संकट को देखते हुए राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे कि ये पानी जो है अब राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है, क्योंकि भारत के कई क्षेत्र में घोर जल संकट आ रहा है। ठीक, तो अगर राज्यसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया कि जल जो है अब राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है, तो अब जल पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा? यूनियन को मिल जाएगा। अब जल पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो देखिए वो विषय जो राज्य सूची के हैं और जिनमें राज्य को कानून बनाना चाहिए, राज्य कानून बनाती भी है, लेकिन अगर राज्यसभा ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि राज्य सूची का वो विषय राष्ट्रीय महत्व का बन गया है, तो फिर उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार छिन जाता है। अब क्या होगा, उस जल पर राज्य सरकारें तो कानून बनाने का अधिकार रखेंगी जैसे पहले रखती थी। राज्य विधानसभाएं उस विषय उस जल पर कानून बनाती रहेंगी, मगर संसद को भी अब उस पर कानून बनाने का अधिकार हो गया है। अब जल पर राज्य सरकार कानून बना रही है और जल पर संसद भी कानून बना रही है। अगर उस कानून में असंगत हुई, इनकंसिस्टेंसी हुई, क्लैश हुआ, कॉन्फ्लिक्शन हुआ, तो किसका कानून चलेगा? यूनियन का। बात क्लियर हो रही है? देखिए किस प्रकार से राज्य को जो विषय अलॉट किए गए हैं वहां पर विकेंद्र छाया हुआ है। सिचुएशन आनी चाहिए ऐसी। बात समझ आ रही है? अभी तो हम ये बता रहे थे करंट इसमें दोनों कानून बना रहे हैं, जब दोनों कानून बना रहे तो टकराव पैदा हो सकता है, तो केंद्र सरकार का कानून चलेगा। अब हम ये बता रहे हैं कि राज्य सूची में तो राज्य को ही कानून बनाना है, केंद्र को तो नहीं बनाना है। लेकिन अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का ये अमुक विषय, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उसके प्रस्ताव पारित करते ही संसद एम्पावर्ड हो जाएगा, संसद कॉम्पिटेंट हो जाएगा, संसद शक्तिवान बन जाएगा कि अब हम जल पे कानून बनाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है। तो अब संसद भी कानून बनाएगी जल पर, और क्योंकि राज्य सूची का विषय है ना जल, तो राज्य भी बनाएगा। ऐसा नहीं कि राज्य से कानून बनाने की शक्ति छिन गई, राज्य तो अपने उस विषय पे कानून बनाएगा, तो राज्य भी बनाएगा, राज्य पास शक्ति है, संसद को भी शक्ति मिल गई, और टकराव की स्थिति में संसद का कानून चलेगा, राज्य का नहीं चलेगा। इस प्रकार आर्टिकल 249 जो संसद को शक्ति दे देता है कि राज्य सूची के उस अमुक विषय पर कानून बनाए अगर वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या क्या? हाँ, बस ये चीज। इसीलिए जो है हम जो फेडरल स्ट्रक्चर होने के बाद भी जब जब राष्ट्र की बात आती है तो हम फेडरल स्ट्रक्चर को किनारे कर देते हैं, और संविधान ने ऐसी व्यवस्था, ऐसे प्रोविजन डाल दिए हैं कि आप यूनिटरी बन के काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि तो राष्ट्र हित सर्वोपरि है। नॉर्मल डेज में फेडरल प्रोविजन काम करेंगे, स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में फेडरल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर देंगे, फेडरल स्ट्रक्चर को हम सस्पेंड कर देंगे, और हम यूनिटरी सिस्टम बन के काम करेंगे, क्योंकि तो हमको राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रमुख है। ठीक, अच्छा, आप काफी कुछ लोग, आप लोग को समझ आने लगा होगा फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, समझ आने लगा ना? हमने देखिए कहा था यहाँ पर बहुत सारे फेडरल
फेडरलिज्म चल रहा है, एग्रेसिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉन्फ्लिक्टुएटिंग फेडरलिज्म, हमने भी पिछले क्लास में आप क्लास में हमने बताया था एक बार, यहाँ पर एट अ टाइम कई सारी फेडरल ट्रेंड्स चल रहे हैं, याद आ रहा कि नहीं आ रहा आप थे क्लास में? हमने कहा था भारत में एक साथ कई प्रकार की संघी प्रवृत्तियां प्रचलित हैं, अगर योगी और मोदी की बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल रहा है, अगर मोदी और दीदी की बात करें तो एग्रेसिव फेडरलिज्म चल रहा है, ठीक। चलिए लिखिए लिखिए, अगर इस प्रकार से आप लोग बस बस करेंगे तो फिर आपको दो साल बैठ के पढ़ना पड़ेगा पॉलिटी, अगर पॉलिटिक्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो फिर मेंटली प्रिपेयर रहिए, हम दो साल तक पढ़ेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। क्या किया जाए, इसको पढ़ाया जाए बस? चलिए समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रही है? नहीं, बुक ले ले जाएंगे, वो जो आप बता रहे थे ना वो आपको जो है उसमें इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हमने आपको जो पढ़ाया है वो हमने पॉलिटी के रेफरेंस में पढ़ाया है, नहीं नहीं ये इकोनॉमी का है, टैक्सेस टैक्सेस कौन करना, कई जगह चीजें आपस में ओवरलैप कर जाती हैं।